अमृतपाल जिसे गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस ने कई इलाकों में इमरजेंसी लगा दी थी। आज अमृतपाल द्वारा सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला गया है जिसमें वो सिखों से अपील करते दिखाई दे रहे हैं। अमृतपाल द्वारा सिखों के साथ की गई अपील को आप इस वीडियो में देख सकते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज सिख संगतों के नाल 18 मार्च तो बाद पहली बार विचारों की सांझ पा रहे हैं। सो जो कुछ 18 मार्च में वापरिया है पहला तो थोड़ी जी गलबात उसके बारे करनी है। जे सरकार की मंशा केवल गिरफ्तारी की होंगी तो सरकार सानू करवा के गिरफ्तार कर ली कहती तो असं गिरफ्तारी दे दी, पर सरकार ने जोड़ा रवैया अपनाया उन्होंने लखा की फोर्स ला के घेरा पा के जो गिरफ्तार करने की कोशिश की, उस घेरे से सतगुर सच्चे पातशाह ने बड़ी कृपा करके सानू कढ़िया। सानू उस मौके तक यह लगता कि सरकार सानू मालवे नहीं जान देना चाहती तो जो असं वहीर ना शुरू कर सकी। सानू लगा भी सानू मालवे जाना चाहिए कि उत्थे जाके वहीर शुरू करनी चाहिए, उसकी सानू उत्थे पहुँचने लिए किसी भी तरीके की वरतों करनी पड़ेगी। सो जदों इंटरनेट बंद हो गया साडा किसी ना संपर्क ना रहा, सानू पहला तो खबरों का नहीं पता लगा कि समय भी की वापरिया। तो मैनू अज जो मैं संगतों के संबोधन कर रहा उस तो लैके हुण मैं कुछ खबरां देखियां ने, मैं समझिया पंजाब दे विच की वापरिया। जो जुलम दी हालत पंजाब दी सरकार ने टप्पी है, जिवें सिख नौजवानां नूं उन्होंने दोषी बना के जेलां च सुट्टिया, जिवें उन्होंने औरतां बीबियां बच्चियां किसी नूं नहीं बख्शिया, उन्होंने अपाहज नौजवानां नूं जिहड़ा है वह दोषी बना के जेलां च सुट दिता है। ये उहो ही काम है जिहड़ा किसी समय बेंती दी सरकार ने पंजाब दे सिखां नाल कीता सी। सो दुनिया भर दे विच रोस मुजाहरे होए, पहलां ते सारियां संगतां दा मैं तय दिलों धन्यवाद करदा जिन्हां ने मेरी गिरफ्तारी उन्होंने लगा सी गिरफ्तारी हो गई है या किसी भी संबंध के उन्होंने रोस मुजाहरे किए। सारिया संगतों का धन्यवाद है जिन्होंने मोर्चे लाए, जिन्होंने गिरफ्तारियां दित्तियां। पर साडे हालातों लई इह समझण दी सानू जरूरत है कि यह कल्ली मेरी गिरफ्तारी का मसला नहीं, यह मसला सिख कौम ते हमले का है। मैनू गिरफ्तारी देने तो ना पहला डर लगता सी ना अज लगता है। सो इस करके मैं संगतों को अपील करदा, जी जथेदार साहब ने एक मुलाकात सदी सी उस एक फैसला होया, सरकार नूं 24 घंटे का अल्टीमेटम जिहड़ा सी जथेदार साहब ने दिता है, पर सरकार ने अगों अकाल तख्त साहब की होंद हस्ती जिहड़ा है वह चैलेंज करदिया एक टीचर की है जिहड़ी बहुत ही नीवें पद्धर की है। सो मैनूं ऐ लगता है कि जथेदार साहब नूं हुण इस मसले के उत्ते बहुत सख्त स्टैंड लेना चाहिए। जथेदार साहब नूं चाहिए कि विसाखी के दमदमा साहब के विसाखी के मेले के उत्ते सरबत खालसा सद्या जाए। मैं सिख संगतां नूं अपील करदा देशों विदेशों के विचों जिथे जिथे भी सिख संगतां बैठिया ने वो वध चढ़ के सरबत खालसा जिहड़ा विसाखी ते होवे उहदे च हिस्सा पाउण ते उत्थे साडे कौम दे मसलिआं दी गलबात होवे, क्योंकि बहुत लंबे समय तो साडी जिहड़ी कौम है वह वख वख मसलिआं दे छोटे मोटे मोर्चे ला के उलझ रही है। सो सानू इह चाहीदा वी जे असीं पंजाब दे मसले हल कराउणे आ, जे फड़ो फड़ाई कीती गई नौजवान असीं छडाउणे आ।